दुनिया में आज देखिए, रूस के अंधाधुंध हवाई हमलों के बीच खारकीव को बचाते यूक्रेन के सैनिक। रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव पर नियंत्रण के लिए रूस लगा रहा है एड़ी चोटी का जोर, लेकिन यूक्रेन के सैनिक बने इस शहर की ढाल। रूस कर रहा है भारी बमबारी। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं विदित मेहरा। रूसी हमले से अब तक बचे यूक्रेन के शहरों में क्या है आम लोगों की दुविधा, इसकी होगी बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने की फोन पर बात। जिनपिंग ने कहा अमेरिका और चीन के हाथ में है विश्व शांति को बनाए रखने की जिम्मेदारी, कहा जंग से किसी का भी नहीं होगा भला। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी हमले से अब तक मारे गए 220 से ज्यादा लोग। रूस कीव के कुछ हिस्सों पर लगातार कर रहा है मिसाइल हमले। वहीं मारियोपोल में हमले का निशाना बने थिएटर में अब भी फंसे हुए हैं कई लोग। अब तक 130 लोगों को निकाला गया बाहर। क्राइमिया पर रूस के कब्जे के 8 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए मॉस्को के स्टेडियम में जुटे हजारों लोगों के सामने राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में अपने स्पेशल ऑपरेशन की जमकर तारीफ की। रूस के यूक्रेन पर हमले के तमाम पहलुओं की बात आज बीबीसी दुनिया में। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 23वां दिन है। मारियोपोल में मलबे में जिंदगियों को बचाया जा रहा है, वहीं कई लोग अपना सब कुछ पीछे छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यूक्रेन का मानवीय संकट बद से बदतर हो गया है, तो वहीं रूस के अंधाधुंध हवाई हमलों के बावजूद खारकीव को कैसे बचा रहे हैं यूक्रेन के सैनिक, देख के फ्रंट लाइन से ग्राउंड रिपोर्ट आज कवर स्टोरी में। जंग रोकने की तमाम कवायदों के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सेना यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव पर हर दिन भारी बमबारी कर रही है। शहर खंडहर में बदल गया है और यहां रहने वाले 10 लाख से अधिक लोगों को भागना पड़ा है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने वहां मोर्चा संभाल रखा है जो रूस को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। हमारे संवाददाता क्वेंटिन सोमरविल और कैमरा जर्नलिस्ट डेरिन कॉनवे ने खारकीव को बचाने में लगी यूक्रेन आर्मी को करीब से देखा। इस रिपोर्ट के कुछ दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। रूस का कहना है कि वो यूक्रेन की सैन्य ताकत को खत्म कर रहा है, लेकिन असल में वो तबाही मचा रहा है। वो प्रतिशोध के साथ हर चीज मिटा रहा है। खारकीव के इन घरों में आम लोग रहते थे। व्लादिमीर पुतिन के युद्ध में आम नागरिक हर दिन निशाने पर हैं। यहाँ पिछले दरवाजे पर एक मृत रूसी सैनिक है। बाग बगीचे भी जंग के मैदान में तब्दील हो गए हैं। लेकिन यहां यूक्रेन की 22वीं बटालियन ने एक अजूबा कर दिखाया है। उन्होंने ताकतवर रूसी सेना को शहर के बाहर ही रोक रखा है। उनकी संख्या कम है, उनके पास ज्यादा साजो सामान भी नहीं है, फिर भी उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। रूसी सैनिक यहां अपने पांव जमाने में नाकाम हुए हैं। हैरान परेशान होकर उन्होंने अपने सैनिकों को कहीं और भेज दिया और शहर को तबाह करने के लिए अपने भारी तोपखाने का मुंह खोल दिया। कॉन्स्टेंटीन एयरफोर्स में पायलट थे, लेकिन रिटायर होने के बावजूद लड़ने के लिए सामने आ गए। शहर के लिए ये पहली रक्षा पंक्ति है। रूसी सैनिक यहाँ कामयाब हुए तो खारकीव में दाखिल हो जाएंगे। ये सड़क आपको रूस से खारकीव तक ले जाती है। लेकिन खारकीव और यूक्रेन अभी भी दमखम दिखा रहे हैं। इस पोजीशन के बाद एकदम खुला इलाका है। रूसी यहां बार बार अपना पूरा जोर लगा रहे हैं,
लेकिन नाकाम हो रहे हैं। यूक्रेन के सैनिक उन्हें रोक रहे हैं। रूसी सैनिक शहर को घेरने की कोशिश पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन नाकाम हो रहे हैं और अपना असंतोष तोपखाने से निकाल रहे हैं। आप सुन सकते हैं, बमबारी सिर्फ फ्रंट लाइन पर नहीं हो रही, पूरे खार्कीव पर बम बरसाए जा रहे हैं। हमारे ऊपर से एक रूसी मिसाइल निकली है। यहां एक हमले में यूक्रेन के 6 सैनिक मारे गए हैं। रोमन ने हमसे कहा कि वो तो चूजे हैं, वो दोबारा नजर नहीं आएंगे, हम उन्हें ठीक से मुनासिब जवाब देंगे। और फ्रंट लाइन से दूर कहीं कोई जगह महफूज नहीं है। रूसी रॉकेट हमारे चारों ओर गिर रहे हैं। Get in. इंसानों को इस तरह निशाना बनाया जा रहा है। दक्षिण में हमलावर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन यहां यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्कीव रूसी मनमानी के आगे डटा हुआ है। रूस जानता है कि लोग यहां अब भी रह रहे हैं। इस खौफ को आप कैसे दूर भगाते हैं? साशा और स्वेतलाना का अपार्टमेंट अब फ्रंटलाइन बन गया है। यूक्रेन की फौज में शामिल औरतों और मर्दों के लिए उनका एक संदेश है। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, वो हमारी धरती की रक्षा कर रहे हैं। डटे रहो दोस्तों, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। मेरी दोनों बेटियां और एक पोती यूक्रेन के लिए लड़ रही हैं। और जंग के सिलसिले को रोकने के लिए जैसे ही रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के साथ शांति समझौते के लिए अपनी मांगें बताई, उसके कुछ घंटे बाद रूसी सेनाओं ने यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर के पास लिवीव शहर में भी बम बरसाए। ये शहर अब तक जंग से अछूता था। फ्रंटलाइन से काफ़ी दूर यूक्रेन का पश्चिमी शहर लिवीव देश में सामान लाने के लिए और उन लोगों के लिए काफ़ी अहम है जो यूक्रेन को छोड़कर जा रहे हैं। धुएं के बड़े गुब्बार लिवीव शहर के ऊपर देखे जा सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान के साथ फोन पर बातचीत के दौरान यूक्रेन के साथ शांति समझौते को लेकर अपनी मांगें बताई। सबसे प्रमुख मांग थी कि यूक्रेन न्यूट्रल रहे और नेटो में शामिल ना हो। इसके अलावा यूक्रेन का पूरी तरह से निरस्त्रीकरण भी पुतिन की एक प्रमुख मांग रही है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ आमने सामने की बातचीत के लिए तैयार हैं, पर वो अपनी शर्तों को जाहिर नहीं करेंगे। ये वक्त नहीं है इस बात को जाहिर करने का कि बातचीत में हम क्या रणनीति अपनाएंगे। ये बातचीत शांति, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और हमारी आज़ादी के लिए हो रही है। टीवी, रेडियो या फेसबुक की बजाय हम ये काम खामोशी से कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सही है। राजधानी कीव की बात करें तो वहाँ एक रूसी मिसाइल जिसे यूक्रेन ने मार गिराया था, उसका मलबा एक रिहायशी इमारत पर गिरा जिसकी वजह से एक शख्स की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। इमरजेंसी सर्विस का कहना है कि 12 लोगों को निकाला गया है और पोडिल्स्की ज़िले में 5 मंजिला एक इमारत से 98 लोगों को बचाया गया है। और यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर आज चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फोन पर बात की। जिनपिंग ने कहा कि विश्व शांति को बनाए रखने की जिम्मेदारी अमेरिका और चीन के हाथ में है। उन्होंने ये भी कहा कि जंग से किसी का भी भला नहीं होगा। हालांकि चीन ने अभी तक रूस की निंदा या आलोचना नहीं की है। और ब्रेक के बाद दिखाएंगे रूसी हमलों से अभी तक बचे यूक्रेन के शहरों में क्या है लोगों की दुविधा। और दुनिया को शांति का संदेश दे रही है 9 साल की एक बच्ची। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, में हूं विदित मेहरा। यूक्रेन के कुछ शहर जहां इस समय जंग की आग से झुलस रहे हैं, वहीं कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां जंग की लपटें अभी तक नहीं पहुंची हैं। ओदेसा यूक्रेन का एक ऐसा ही शहर है, लेकिन यहां लोग दुविधा में हैं कि यहीं रुकें या जाएं। रूस काले सागर के तट पर बसे इस अहम शहर ओदेसा पर कब्जा करना चाहता है। हमारे संवाददाता एंड्रयू हार्डिंग ओदेसा में ही हैं, जो हमले से निपटने की तैयारी कर रहा है। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। यूक्रेन के काले सागर का किनारा, ये लोग तैयारी कर रहे हैं रूसी हमले से निपटने की। बालू से भरे बोरों से ओदेसा की सड़कों को ब्लॉक किया जा रहा है। यह एक प्राचीन शहर है जिस पर पहले लेनिन फिर हिटलर ने हमला किया था, और अब यह पुतिन के निशाने पर है। कुछ लोगों के लिए यहाँ सब कुछ सामान्य जैसा है। 77 साल के अलेक्जेंडर कहते हैं कि युद्ध होना तय है, इसमें मौतें होंगी और तकलीफ भी होगी, लेकिन किस लिए? अन्य लोगों को तुरंत असंभव से फैसले लेने पड़ रहे हैं। ओदेसा के मुख्य अनाथालय में 18 बच्चे बेहद बीमार हैं, ये दूसरे देश जाने की हालत में नहीं है। उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, हम इन्हें कैसे दूसरी जगह ले जा सकते हैं? क्या मैं इनमें से बेहतर हालात वाले बच्चों को ले जाऊं और बाकियों को यहीं छोड़ दूं? फिलहाल उनका प्लान इन्हें बेसमेंट में शिफ्ट करने का है। इस बीच युवा अभी भी ओदेसा की सिविल डिफेंस यूनिट में शामिल हो रहे हैं। ये लोग हर सड़क पर रूसियों से लड़ने को तैयार हैं। इन्हें पता है कि ऐसी नौबत जल्द आ सकती है। इस महत्वपूर्ण शहर पर रूस की बमबारी के बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ हफ्तों के घटनाक्रम से लग रहा है कि ये शहर रूस के हमलों की चपेट में कभी भी आ सकता है। इसके तट से दूर रूसी बेड़ा घेराबंदी कर रहा है। ओदेसा अपने अनमोल स्मारकों को पहले ही ढक चुका है। हर हवाई हमले के बाद लोग पुराने तहखानों में चले जाते हैं और उनकी नजर होती है रूस के अगले कदम पर। यूक्रेन की 9 साल की एक बच्ची का एक गाना आई ड्रॉ माई लाइफ सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। इस गाने के जरिए वो शांति का संदेश सारी दुनिया में पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। अपने गाने से वो दुनिया भर के बच्चों को एक संदेश भी दे रही हैं। यूक्रेन की 9 साल की इस लड़की का गाना आई ड्रॉ माई लाइफ सोशल मीडिया पर शांति के लिए आह्वान के तौर पर काफी वायरल हो गया है। ये गाना आई ड्रॉ माई लाइफ मैंने इसलिए गाया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जंग रुक जाए। मैं सभी नेताओं के दिलों को इसके जरिए छूना चाहती हूँ। इस गाने के कई रिपोस्ट को अब तक लाखों व्यूज और हजारों शेयर और रिएक्शन मिल चुके हैं। अमेलिया का जन्म यूक्रेन में हुआ। 1 साल की उम्र में वो इटली चली गई थी, जहां वो यूट्यूब स्टार बन गई। रूस के यूक्रेन पर हमले के 1 सप्ताह पहले उन्होंने ये गाना जारी किया था। अमेलिया अपने दादा के बारे में चिंतित हैं, जो इस वक्त यूक्रेन में हैं। वो और उनकी दादी उनसे फोन पर बात करते हैं। मेरे रिश्तेदार यूक्रेन में रहते हैं, खासकर मेरे दादा। वो अब सेना में हैं और देश के लिए लड़ रहे हैं। अमेलिया कहती हैं कि बच्चों को बड़ों के फैसलों की वजह से खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। ये लड़ाई भयावह है और बच्चों को इस तरह बेसमेंट में देखना बहुत बुरा। कई बच्चे बेसमेंट में ही पैदा हो रहे हैं। क्या आपको लगता है ये सब सामान्य बात है? मेरे लिए तो नहीं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए क्या भारत क्या पाकिस्तान दिन भर उड़े होली के रंग। और कुछ इस तरह मनाई गई पाकिस्तान में होली। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं आदित्य मेहरा। कोरोना की गिरफ्त में बीते 2 सालों के बाद पहली बार ऐसा दिखा कि पूरे भारत में लोगों ने खुलकर होली खेली। देखिए, महाराष्ट्र से लेकर केरल और यूपी से लेकर देश के दूसरे कोनों से आई ये रंगारंग तस्वीरें जहां लोग होली मनाते दिख रहे हैं। बच्चे भी इस त्यौहार का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अपनी पिचकारियों में पानी भर के, गुब्बारे एक दूसरे पर फोड़ के बच्चों ने ये त्यौहार मनाया। और दुनिया की बाकी जगहों की तरह ही पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग भी कल से ही होली के जश्न में डूबे हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदुओं की आबादी सबसे अधिक है। ऐसे में होली के मौके पर सरकार ने वहां 2 दिनों की सरकारी छुट्टियों का ऐलान किया है। सिंध की राजधानी कराची से देखिए शुमाइला खान की ये रिपोर्ट। कराची के सबसे पुराने मंदिर स्वामी नारायण मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो होली के रंगों में रंगी हुई है। एक हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं कि लोगों को बताना चाहते हैं कि हम भी हिंदू मजहब जो है कि बड़े अपने आज़ादी के साथ यहाँ पे त्यौहार फेस्टिवल अपने सेलिब्रेट कर सकती है। होली की तैयारी हमने बहुत जोरों शोरों से की है। हमारी होली माता है जिनका ये प्रोग्राम होता है, यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं, होली की फेस्टिवल मनाया जाता है और सबको कलर्स लगाते हैं, बहुत खुशियों के साथ मनाई जाती है। अब से कुछ देर पहले यहाँ होलिका दहन का एहतमाम किया गया था और होलिका जलाई गई थी। इसके गिर्द शादीशुदा जोड़ों, खासतौर पर जो नए शादीशुदा जोड़े हैं, उन्होंने फेरे लिए, उनके साथ दीगर लोगों ने फेरे लिए और यहाँ रात गए तक नाच गाना होता रहा और लोग एक दूसरे के ऊपर होली के रंग फेंकते रहे। हिंदू पाकिस्तान की सबसे बड़ी माइनॉरिटी हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में कोई 1 करोड़ हिंदू आबाद हैं। मुल्की ऑपोजिशन पार्टी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने होली के फेस्टिवल पर मुल्क के हिंदू शहरियों को मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को एक इंक्लूसिव और टॉलरेंट सोसाइटी बनाने के लिए ज़रूरी है कि तमाम मजाहिब और कल्चर को उनकी डाइवर्सिटी के साथ सेलिब्रेट किया जाए। उम्मीद करते हैं कि आपकी होली भी अच्छी गई होगी। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @bbcwithit। आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को रात 10 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।